नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ औसान बीबी की पूजा व उनकी व्रत कथा। औसान बीबी की पूजा का शुद्ध रूप अवसान विधि से पूजा है। हमारे देश के पूर्वी प्रांतों में इसे अचानक देवी व्रत कहते हैं। विवाह आदि शुभ कामों में सात सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित करके उनके सुहाग की पूजा की जाती है। भगवान राम सीता के विवाह प्रांत जनकपुरी से लौटने पर राजा दशरथ ने सुहागिन स्त्रियों को सम्मानित किया था। पूजन के बाद गुड़ मिश्रित चने की दाल प्रसाद बांटा जाता है। सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराने का भी नियम है। रात्रि हरि कीर्तन करके व्यतीत करनी चाहिए। औसान बीबी की व्रत कथा। एक गांव में भाई बहन रहते थे। भाई को चिड़िया पालने का बड़ा शौक था। एक दिन और रात उन्हीं की देखभाल किया करता था। जब भाई की सगाई हुई तो वह उसी दिन से दुबला होने लगा। एक दिन बहन ने भाई से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि मुझे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है, किंतु मुझे यही चिंता लगी रहती है, जब मैं बारात के साथ विवाह कराने के लिए जाऊंगा तो मेरी चिड़ियाओं को दाना पानी कौन देगा? यदि इनकी देखभाल में थोड़ी सी भी लापरवाही या देरी हुई तो कठिन परिश्रम से पाली हुई मेरी चिड़िया बेमौत मर जाएंगी। बहन ने भाई को धैर्य बंधाया और कहा कि तुम जरा भी चिंता मत करो, यह काम अपने जिम्मे लेती हूँ। तुम्हारी चिड़ियाओं को दाना पानी मैं स्वयं दूंगी और तुम्हारे विवाह से लौटने तक मैं तुम्हें किसी भी प्रकार का कष्ट होने नहीं दूंगी। कुछ दिनों में विवाह की तिथि आने पर भाई दूल्हा बनकर बारात के लिए चल दिया। बहन भी घर के नेक चार के काम में व्यस्त रहने के कारण चिड़ियाओं को समय पर दाना पानी ना दे सकी। जब वह कुछ अवकाश पाकर चिड़िया खाने भी गई तो उन्होंने देखा अधिकतर चिड़िया मरी पड़ी थी। यह देखकर वह भारी संकट में पड़ गई। उसने मन ही मन औसान बीबी का स्मरण किया और कहने लगी कि हे देवी, आपकी कृपा से चिड़िया जी उठी तो मैं दुर्कैया कराऊंगी। देवयोग से सब चिड़िया जी उठी। तब बहन ने उनको दाना पानी दिया। चिड़ियाओं को दाना पानी देकर वह बाहर चली आई और अपने मन में यह विचार कर खड़ी हो गई कि यदि कोई इधर से निकले तो उससे कुछ चने भुनवाऊँ और फिर सुहागन को नयता दे बुलाऊँ। तभी उधर से एक बारात निकली। लड़की ने बारातियों से प्रार्थना की कि कोई मेरे चने भुना कर ला दो, किंतु बारातियों ने मना कर दिया। बारात ने गांव से आगे चलकर एक अच्छा स्थान देखकर वहां विश्राम किया तो दूल्हे अपने आप ही मूर्छित हो गया। लड़की अपने घर के द्वार पर खड़ी ही थी। थोड़ी देर बाद उधर मुर्दे को कंधे पर लिए हुए कुछ आदमी जा रहे थे। लड़की ने मुर्दों के साथ जाने वाले लोगों से कहा, कोई मेरे भुने चने ला दीजिए तो मैं सुहागन को नर्ता बुलाऊं। उनमें से एक ने कहा, क्या हर्ज है, इनके चने भुनवाने में देर कितनी लगेगी, जलाने को अभी बहुत समय है। यह सोचकर कुछ लोग भुने चने भुनवाने के लिए चल दिए। तभी अर्थी पर से मुर्दा उठकर बैठ गया। यह देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और सबने लड़की के पास जाकर श्रद्धा से नमस्कार करके पूछा, बहन तुमने यह क्या जादू कर दिया जिससे मुर्दा जीवित हो गया? लड़की ने उत्तर दिया, मुझे इसके बारे में क्या मालूम, मेरी दुर्कैया जाने, औसान बीबी जाने। मैंने औसान बीबी से प्रार्थना की थी कि मेरे भाई की मरी चिड़िया जी उठे, चने प्रसाद बांटूंगी। उनकी पूजा के प्रसाद के लिए चने भुनवाने चली थी। तुम लोगों ने दया करके चने भुनवा ला दिए तो तुम्हारी मुर्दा भी जी उठा। यह सब औसान बीबी की माया है। उन लोगों ने भी सुहागन को नौता दे करके बुलाया और औसान बीबी की विधि पूर्वक पूजा की। जिन लोगों का दूल्हा बेहोश हो गया था वे भी लौटकर उसी जगह आए और उन्होंने लड़की से पूछा कि तुमने हमारे दूल्हे को क्या कर दिया है कि वह मूर्छित होकर गिर गया? लड़की ने कहा, मैं क्या जानूं, मेरी औसान बीबी जाने, उनकी पूजा के लिए चने भुनवा कर ला देने वालों का मुर्दा जी उठा, तुमने इनकार किया तो दूल्हा अचेत हो गया, इसमें मैं क्या करूं? उन लोगों ने लड़की से कहा, हमें औसान बीबी की पूजा विधि बता दो, हम भी घर जा कर के पूजा करेंगे। लड़की ने उन्हें पूजा की विधि बताई। पूजा का संकल्प करते ही दूल्हा स्वस्थ हो गया, बारात जनवासे की ओर चल पड़ी, सकुशल विवाह हो गया। तब उन लोगों ने घर पहुंचकर सास सुहागन
को न्योता दिया और उनके आंचल भरकर श्रद्धा पूर्वक औसान देवी की पूजा की। इधर जब लड़की का भाई विवाह करके लौटा तो लड़की की माता ने भी औसान देवी का पूजन किया। तभी से विवाह के अंत में औसान देवी की पूजा का प्रचलन शुरू हो गया। बोलिए औसान मैया की जय। औसान मैया हमारी बहुत सच्ची हैं, आप लोग भी दिल से उनसे कोई भी मन्नत मांग करके औसान बीबी की दुर्गैया कर सकते हैं। नमस्कार।